वन वेलकम टू करंट क्रंच इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं नितिन सागमन सर की एसेंशियल सोशोलॉजी करंटली हम चैप्टर नंबर फोर हमने स्टार्ट किया हुआ है थिंकर्स जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से और फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशलॉजी इन जनरल सो अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है डू गिव अ थम्स अप लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो लेट्स गेट स्टार्टेड अभी हमने कवर किया है फंक्शनलिज्म फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट ये सारा मैंने आपको समझाया अच्छे से कि क्या होता है नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पर्सपेक्टिव ठीक है एक स्कूल ऑफ थॉट हो गया अब हम सेकंड काफी इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो देखते हैं देखो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जहाँ पे भी आप सोशलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट की बात करोगे वहाँ पे आपको काल मार्क्स का ये रखना होगा कि काल मार्क्स जो थे वो मेन प्रम्पाउंडर थे इस स्कूल ऑफ थॉट के ठीक है फंक्शनलिज्म ने हमें क्या सिखाया सारी गुड़ी गुढ़ी चीजें की फंक्शनल है हर चीज सोसाइटी के लिए फंक्शनल होती है और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ने क्या कहा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना है सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे वो फंक्शनल है फॉर दी ऑफ में ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी एंड सोशल ऑर्डर लेकिन कॉन्फ्लिक्टस्पेक्ट पर्सपेक्टिव जो था वो इस चीज पे बिलीव नहीं करता था ठीक है ये क्या बोलते थे इन इनका ज्यादा ध्यान किसकी तरफ गया कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है और केयस है ठीक है अब देखो ये जो है फंक्शन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इसको भी हम कैटेगराइज करते हैं पॉजिटिविस्ट में मैंने आपको पहले भी कहा कि कई लोग कंफ्यूज करते हैं फंक्शनलिज्म और पॉजिटिविज्म को वो इंटरचेंजेबली इसको यूज़ करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि पॉजिटिविज्म ने क्या कहा नेचुरल साइंस के बेसिस पे और साइंस जहाँ पे आप कहते हो कि साइंटिफिकली आपने कोई चीज़ प्रूव की है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इन नेचर है हमें पता है कि हम आगे उस चीज को प्रोडिक्ट कर सके वही आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में भी होता है और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में भी यही हुआ है कार्ल मार्क्स ने जैसे अपनी कोई एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की बात की ठीक है तो इन्होंने भी प्रोडिक्ट किया है फ्यूचर सोसाइटी कैसी होगी कुछ जनरलाइज लॉज बनाए हैं फाइन तो मीनिंग्स मोटिव्स एक्शन जो नॉन पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट की आइडियोलॉजीज है उस पर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ने भी ध्यान नहीं दिया है तो इसको भी आप बोल सकते हो कि ये भी पॉजिटिविस्ट थे इन देयर अप्रोच इन्होंने भी ग्रैंड फ्रेमवर्क जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स बताए थे टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सोसाइटी ठीक है अब जैसे अब इनमें डिफरेंस क्या है फंक्शनलिज्म क्या किया उन वो क्या करते थे वो एम्फेसाइज करते थे यूनिटी सॉलिडारिटी कंसेंसस वगैरह पे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले जो थे वो उन्होंने फोकस किया डिविजन्स पे इन सोसाइटी की सोसाइटी में शिज्म है डिविजन्स है ठीक है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वहां पे कार्ल मार्क्स का नाम आएगा मेन पंपाउंडर कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या थी उन्होंने कहा हर सोसाइटी में डिवाइडेड थे लोग दो मेजर क्लासेस में हैव एंड ठीक है हैव्स एंड पहले आपकी प्रमेटिव कम्युनिज्म था इन्होंने जो एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी बोली वो हमें आगे पढ़ना है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में तो पहली सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी थी उसमें डिविजन्स नहीं थे फिर फर्दर जैसे सोसाइटी बढ़ती गई कॉम्प्लिकेट होता गया सब कुछ रिलेशन सारे कॉम्प्लिकेट होते गए तो हमारे पास दो बड़ी कैटेगरीज आ गई हैव्स की एंड हैव नॉट्स की और ये जो हैव्स और हैव नॉट्स थे ये एक कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थे ठीक है और जो सोसाइटी सारी बिल्डअप थी वो अराउंड हैव्स थी और जो हैव थे वो आपके अगर आप सिंपल uh, टर्म में समझना चाहो ये आपकी लेबर क्लास हो गई जो सारा काम करती है और हैव्स आपके कैपिटलिस्ट हो गए जो सारा प्रॉफिट ले जाते हैं लेबर्स के ठीक है हैव्स एंड हैव नॉट्स तो इनके बीच में कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट होगा फर्दर क्या होता है फिर फाइनली इनके बीच में लड़ाई होगी और एक नई क्लास आ जाएगी ठीक है ये सारी चीजें मैं आपको इन डिटेल हम आगे हर टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं ये सारी चीजें तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाना जिस टॉपिक में मैं आपको जितना समझा रही हूँ आप फिलहाल उतना समझो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कोई वर्ड देखोगे फिर सोचोगे आपने तो वर्ड एक्सप्लेन ही नहीं किया क्योंकि हम आगे आगे सारे जो टॉपिक्स हैं हमें सारी यही चीजें उनमें पढ़नी है इन डिटेल ठीक है तो हम अब देख लेते हैं सर ने बुक में क्या लिखा है कॉन्फ्लिक्टपेक्टिव जैसे फंक्शनल थे कॉन्फ्लिक थियोरी इज ऑल्सो स्ट्रेस ऑन स्ट्रक्चर एंड हैं प्रमिनेटली पॉजिटिव इन द अप्रोच वो भी सजेस्ट करते हैं ग्रैंड फेम फ्रेमवर्क टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सोसाइटी लेकिन कंसेंसिस के इंस्टेट दे फोकस ऑन द डिविजन इन सोसाइटी कार मार्क्स जो थोड़े थे मेजर थिंकर हु गेव दिस परसपेक्टिव थ्रू हिस डायलेक्टिकल मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री ये हमें आगे हिस्टोरिक मटीरियल में पढ़ना है वहाँ मैं आपको बताऊंगी क्या होता है

पहले इंक चेंज कर लेते हैं इसकी क्योंकि कलर सेम हो जाएगा वेट करें आप फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ जर्मनी ठीक है फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ जर्मनी का क्या कहना था उन्होंने मेजर तो मार्क्स आइडियाज पे ही बिल्ट था उनका आइडिया लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ और चीजें भी हैं जो सोसाइटी को डिवाइड करती हैं अब मार्क्स ने अभी तक सिर्फ इकोनॉमी की बात की क्योंकि मेजर क्लास जो इन्हें बोली सोसाइटी में है वो कौन सी है हैव और हैव फाइन अब ये जो हैव और हैव नॉट से किस बात पे डिवाइडेड है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी देखते हैं पैसों पे इकोनॉमी पे हैव जो है वो आपकी इकोनॉमी चलाते हैं ठीक है सारा काम कौन करता है प्रोडक्शन कौन कर रहा है सारी हैव नॉट्स मजदूर सारा काम करते हैं और प्रॉफिट कौन अप्रोप्रिएट करता है प्रॉफिट कौन ले जाता है हैव्स ठीक है तो बेसिकली सेंटर्ड अराउंड है ये इकोनॉमी मार्क्स का आइडिया इन्होंने हर चीज इकोनॉमी से रिलेट की लेकिन फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ जर्मनी जिनको हम क्रिटिकल स्कूल या मार्क्स स्कूल भी बोलते हैं उन्होंने कहा सिर्फ इकोनॉमी ही डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए और भी चीजें हैं जैसे मीडिया है मीडिया भी एक आइडियोलॉजी क्रिएट करता है सोसाइटी में जिसकी वजह से सोसाइटी डिवाइड हो जाती है कल्चर की वजह से भी होता है तो इन्होंने और कुछ आइडियाज जो है एलिमेंट ऑफ कल्चर वगैरह इसमें मार्क्स के आइडिया आइडियोलॉजी में ऐड किया इंट्रोड्यूस किया ठीक आगे देख लेते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल हो गया फिर जर्मन स्कूल रेल्फ डेरहन इन्होंने कंबाइन किया मार्क्स के आइडियाज़ को वेबरियन पर्सपेक्टिव से वेबर हमें अलग पढ़ना है अलग थिंकर है इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा सोसाइटी पावर और अथॉरिटी पे भी डिवाइडेड होती है ना कि सिर्फ आपकी इकोनॉमी पे ठीक उसके बाद और और चीज़ें आ गए जैसे ये आई वन आइलेज और एल्थ इन्होंने अप्लाई किया मार्क्स का आइडियाज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कल्चर का इस पे भी डिवाइडेड होती है सोसाइटी ग्राम्स काई ने यूज़ किया मार्क्स इस थाट को टू तो गिव द ऑफ दानसेप्टजमनी इन दोल फील्ड ऑफ पॉलिटी जैसे इन्होंने कहा इकॉानमी में कुछ हैंडफुल uh, ऑफ ये होते हैं कैपिटल जो रूल करते हैं वैसे हेजमनी मीन्स रूल ऑफ फ्यू तो पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है कुछ पॉलिटिकल कुछ पॉलिटिशन्स होते हैं जो रूल करते हैं आपकी सोसाइटी को ठीक है आप पेरी बर्डो ने भी फोर फोल्ड कैपिटल मॉडल दिया मॉडर्न सोसाइटी में यह हमें एजुकेशन चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ना है फिर वॉलस्टीन की थ्योरी ये भी हम सारी चीजें इन डिटेल आगे पढ़ेंगे हमें आगे आगे फॉलोइंग चैप्टर्स में सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है तो यहाँ पे आप इसमें आ, ये नहीं हो जाना मैं मिक्सअप नहीं करना चाहती सब कुछ आई वॉन्ट यू टू स्टिक टू कार्ल मार्क्स और ये कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव यहाँ पे तो फंक्शनलिस्ट की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो गई आफ्टर नाइनटीन सिक्सटीज लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव था ये कंटिन्यू हुआ टू इवोक इंटरेस्ट ऑफ सोशलॉजिस्ट क्योंकि ऐसे इवेंट्स होते गए जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ या जास्मिन रेवोल्यूशन हो गया मिडिल ईस्ट 2012 पे मोस्टली वो एम्प्लॉयमेंट करप्शन इन्हीं चीज़ों को लेके था तो कहीं ना कहीं सेंटर्ड अराउंड इकोनमी ही था पैसों के बेसिस पे ही था ये इकोनमी के बेसिस पे ही था तो ये चीज़ें ऐसी होती गई प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में भी इस वजह से फिजल आउट नहीं हुए मार्क्सिस्ट आइडियाज मार्क्स के जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज थे वो अभी भी इसलिए कहीं ना कहीं वैल्यू रखते हैं ठीक है थीके? अब हम देखते हैं कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म पहले बाद में हमें इनका मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना है एलिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है एंड काल क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है ये हमारा सिलेबस है किसका कार्ल मार्क्स का ठीक है देखो कार्ल मार्क्स जो थे ही वॉज वन ऑफ दर्लियर पायनियर उन्होंने तो फाउंड किया था कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो काफी डिफरेंट था उस टाइम के प्रिवेलिंग स्ट्रक्चरल व्यू से ठीक है ये हमें पता है स्ट्रक्चरल फंक्शन व्यू क्या होता है कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो चीज फंक्शनल है आपकी स्टेबिलिटी के लिए जैसे अगर हम कास्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर देखें ठीक है ब्राह्मण क्षेत्रियास वेशिया तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी हर कोई ग्रुप अपने अपने टाइप के जो काम है फंक्शन है वो परफॉर्म करता है ये आप मान लो एग्जाम्पल फंक्शनलिस्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट व्यू का ठीक है लेकिन कार्ल मार्क्स इस आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे क्योंकि ये किस बैकग्राउंड में थे इनका अगर आप बैकड्रॉप में जाओ तो ये वो टाइम था इंडस्ट्रियलाइजेशन का पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन का कहीं ना कहीं एक साइड से आप तरक्की की बातें कर रहे थे लेकिन दूसरे साइड से सिविल वॉर की कंडीशन हो गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक मेजर पैराडॉक्स इन्वॉल्व था पहला लेक्चर याद करो जिसने नहीं देखा है तो मेरी प्ले पे जाए और स्टार्टिंग का लेक्चर जिसमें हमने मॉडर्निटीन यूरोप एंड चेंजेस की बात की थी वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आई थी सोसाइटी में केस मच गया था सोशल अपहीवल मच गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से तो कहीं ना कहीं अगर इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट थे तो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहे थे सोसाइटी पे तो इन सब बैकग्राउंड में ये लिख रहे थे ये सारी चीज़ें इनके सामने हो रही थी तो ये चीज़ ये ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि एवरी और एवरी स्ट्रक्चर एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन दैट इज बिल्ट इन सोसाइटी इज फंक्शनल फॉर द मेंटेनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी ठीक है ही वाज़ नॉट ऑफ दिस व्यू एंड ही टू एक्सेप्ट इट सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड क्रिबिंग अबाउट इट व्हाट ही डिड ही गिव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव उन्होंने अपना कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव जो था सामने रखा और काफी वो कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव इट वॉज वाइडली एक्सेप्टेड ठीक है तो इस वजह से ये सारी जो चीजें देख रहे थे इट प्रॉम्प्टेड मार्क्स टू गिव अ थॉट अबाउट द मिजरी एंड सफरिंग ऑफ द पीपल हु हूम सॉ विक्टिम्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर कॉल्ड कैपिटलिज्म तो ही वाज कंप्लीटली एंटी कैपिटलिज्म वो कंप्लीटली uh, जो थे ही वाज कंप्लीटली एंटी कैपिटलिस्ट ठीक है वो कैपिटलिज्म uh, के कम्प्लीटली अगेंस्ट थे क्योंकि उनका मानना था सोसाइटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्शन अगर आपकी सोसाइटी में प्रोडक्शन नहीं हो रही है सोसाइटी वुड सर्वाइव क्योंकि आपको सर्वाइवल के लिए चीजें प्रोड्यूस करोगे तभी इकोनमी बढ़ेगी तभी लोगों के पास पैसा होगा खाने पीने की चीजें आएंगी और सोसाइटी जो है वो सर्वाइव करेगी अब इस प्रोडक्शन का मेजर काम कौन करता है आपके लेबर्स मजदूर और बाद में वो फंड कौन ले जाता है सारे जो प्रॉफिट है वो कौन अप्रोपरेट करता है कैपिटलिस्ट अब देखो एक लेबर जो आईफोन फैक्ट्री में काम करता होगा आपको पता है ना चीजें असेंबल होती हैं कहीं पे स्क्रीन है कहीं पे बैटरी बनती है कहीं पे कुछ बनता है उसका कहीं पे हार्डवेयर कहीं सॉफ्टवेयर तो जो एक लेबर आईफोन फैक्ट्री में काम करता है क्या वो कभी सोच सकता है आईफोन फिफ्टीन आईफोन सिक्सटीन लेने का नहीं क्यों क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं है दैट मीन जो चीज उसने प्रोड्यूस की है उसका हक है ही नहीं उसकी चीज पे ठीक है ये कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं हर चीज के लिए एलिनेशन वगैरह ये हम बाद में डिस्कस करेंगे ये एग्जांपल्स फिर से बाद बार बार इसमें जो है वो रिपीट होंगी ठीक है तो क्या हो जाता है प्रॉब्लम क्या हो जाती है लेबर्स जो काम करते हैं उनको बाद में उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है कोई उनको उसका हक नहीं मिलता है फ्रूट्स ऑफ देयर प्रोड्यूस इज बीइंग टेकन अवे बाय द कैपिटलिस्ट इसीलिए कैपिटलिस्ट के कंप्लीटली अगेंस्ट थे और इनका मानना था जो भी पॉलिटिक्स रिलीजन कल्चर एजुकेशन है वो सारा किसके अराउंड बिल्ड है हैव्स के अराउंड जो कैपिटलिस्ट है वो उसी टाइप की एजुकेशन सोसाइटी में स्प्रेड करते हैं जिससे आपको यही सीखने को मिलता है कि हाँ पैसा कमाना और आ, अमीर बनना इज यो अल्टीमेट गोल और So, वो आपको सिखाता है कि सोसाइटी में क्लास डिविजन्स हैं और ये क्लास डिविजन्स रहेंगी रिलीजन भी आपको यही सिखाता है कि ठीक है पुराने कर्म किए होंगे पुराने जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे इसीलिए इस जन्म में गरीब हो या अगर इस जन्म में गरीब हो सफरिंग को अगर आप टॉलरेट करोगे आपको आफ्टर लाइफ में उसके फ्रूट्स मिलेंगे तो इनका मानना था हर इंस्टीट्यूशन जो है सोसाइटी का वो हर इंस्टीट्यूशन आपको इसी तरफ ले जाता है कि आप ये चीज़ एक्सेप्ट करो अपनी कंडीशन को कि आप लेबर हो आप लेबर क्लास को बिलोंग करते हो और आप इसी कंडीशन में रहने वाले हो और कैपिटलिस्ट जो है वो इस क्लास को बिलोंग करते हैं वो जो भी काम कर रहे हैं आपका सारा प्रॉफिट ले रहे हैं वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं आपको ये आइडियोलॉजी आपके अंदर इनग्रेन की जाती है बाकी सारे इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपके पॉलिटिक्स के थ्रू रिलीजन के थ्रू एजुकेशन के थ्रू कल्चर के थ्रू ठीक है ये इनका मानना था आगे चलते हैं इनका कॉन्सेप्ट जो हम पहला यहाँ पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म अब देखो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म जो है इसमें आपको दो तो, दो टर्म्स मिलेंगी हिस्टोरिकल एक मटीरियलिज्म अब देखो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म पहले होता क्या है हिस्टोरिकल क्यों है क्योंकि इसमें बात हुई है एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की हिस्ट्री की बात हुई है एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी तो ये कहता है कि सोसाइटी इवॉल्व हुई है मीन सोसाइटी सोसाइटी एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी ठीक है तो ये कहता है कि सोसाइटी इवॉल्व हुई है पहले सोसाइटी कुछ और थी हमें वो इन डिटेल सारी सोसाइटीज पढ़नी है उन्होंने छह सोसाइटीज बोली थी कैसे सिक्स स्टेजेस में सोसाइटी इवॉल्व हुई तो यहाँ पे आपको हल्का आइडिया देती हूँ पहले प्रिमेटिव कम्युनिज्म था प्रमेटिव कम्युनिज्म मीन्स क्लासलेस सोसाइटी थी ठीक है क्लासलेस सोसाइटी थी कोई डिविजन्स नहीं थे हैव्स हैव नॉट का कॉन्सेप्ट नहीं था उसके बाद जब हम आगे आगे बढ़ते गए थोड़े मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन आ गए लोग जो है वो वेल्थ एक्यूमुलेट करने लगे किसी ना अब किसी के ग्रुप के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो वो दूसरे ग्रुप पे रूल करने लगा तो एनशन सोसाइटी आ गई तो ऐसे ऐसे अलग अलग सोसाइटीज़ आई कहने का क्या मतलब है सोसाइटीज़ इवॉल्व होना शुरू हो गई ये हिस्टोरिकल मटीरियलज़्म में हिस्टोरिकल क्या होता है ठीक है एक्सप्लेन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं हिस्टोरिकल मटीरियल क्या होता है हिस्टोरिकल मीन सोसाइटी इवॉल्व हो गई एक स्टेज से दूसरी स्टेज दूसरी स्टेज से, दूसरी stage से तीसरी स्टेज फिर चौथी स्टेज पांचवी स्टेज एंड फाइनली सिक्स स्टेज जो इन्होंने बोला मार्क्स ने अभी मटीरियलिज्म क्यों देखो सोसाइटी बेस्ड किस पे है अगर एक क्लासलेस सोसाइटी है प्रेमेटिव कम्युनिज्म ये इसीलिए क्लासलेस है क्योंकि उसमें क्या होता था अर्ली मैन क्या करते थे uh, जानवरों को पकड़ के मारते थे ठीक है दैट जो रॉ रॉ मटेरियल्स मटेरियल्स थे या फ्रूट्स खाते होते तो raw materials पे सबका इक्वल राइट था ठीक है इसीलिए किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा नहीं था वो अपने नीड के अकॉर्डिंग मारते थे खाते थे और उसी अकॉर्डिंग वो रहते थे तो मतलब कोई वॉन्ट या कोई एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो इस वजह से क्लासलेस सोसाइटी थी आगे आगे जब हम बढ़ते गए नेचर पे लोगों का कंट्रोल बढ़ता गया कोई एक ग्रुप ज्यादा पावरफुल हो गया किसी के पास ज्यादा रॉ मटीरियल आ गए तो जब एक ग्रुप पावरफुल हो गया दूसरा ग्रुप पावरलेस हो गया वो उसको सब्जोगेट करने लगा एक्सप्लोइ करने लगा तो बेसिकली सोसाइटी बनी किस पे मटीरियलिज्म पे जब मटीरियलिज्म नहीं था ठीक है कोई एक्यूमुलेशन प्रॉफिट ऐसी कोई बात नहीं थी तो क्लासलेस सोसाइटी थी जैसे जैसे मटीरियलिज्म बढ़ने गया ऑफ वेल्थ होती गई तो आपके पास क्लास बेस्ड सोसाइटीज आती गई हैव्स एंड हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट आ गया ठीक है तो सोसाइटी किस पे बनी मटेरियल पे जब मटेरियल नहीं था तो क्लासलेस थी जब मटेरियल था तो क्लास बेस्ड सोसाइटी आ गई एंड अब जो चेंज आई सोसाइटी में जैसे प्रिमेटिव कम्युनिज्म से एंशिएंट फिर फ्यूडलिज्म वो भी किस बात पे आ गई जैसे आपकी मटेरियल वेल्थ बढ़ती गई बढ़ती गई तो आपके अकॉर्डिंगली सोसाइटीज भी चेंज होती गई जैसे आपका फ्यूडलिज्म में क्या हुआ लैंड आपका सेंट्रल कॉन्सेप्ट आ गया मेटीरियल वेल्थ लैंड कंसिडर किया जाने लगा तो जिसके पास ज्यादा लैंड थी वो तब हैव्स वाली क्लास में था उसके बाद कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आ गई जिसके पास ज्यादा जो कैपिटल था फैक्ट्रीज थी इंडस्ट्रियल के ओनर्स जो थे इंडस्ट्रियल ओनर्स जो थे वो तब आपके में आ गए दैट मीन सोसाइटी जो थी वो बेस्ड भी थी मटीरियलिज्म पे समझ में समझ आ रहा है क्यों मटीरियलिज्म है क्योंकि आपकी सोसाइटी बेस्ड भी थी मटीरियल वेल्थ पे जैसे मैंने कहा जब मटीरियल वेल्थ नहीं थी तो क्लासलेस थी आगे क्लास बेस्ड आ गई और सोसाइटी जब चेंज हो रही है जो वन सोसाइटी से सेकेंड सोसाइटी सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज ये भी ऑन द बेस ऑफ मटीरियल वेल्थ ही हो रही है ठीक है पहले लैंड अगर आपके पास है तो आप हैव्स में हो Feudalism वाली सोसाइटी में अगर आपके पास कैपिटल है इंडस्ट्रीज हैं, तो आप हैव्स वाली कैटेगरी में हो दैट मीन्स चेंज भी किस पे हो रही है मटीरियल वेल्थ के बेसिस पे ठीक है समझ में आ आगे हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी वे गोइंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज ऑन द बेसिस ऑफ योर मटीरियल वेल्थ दैट इज योर हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म अब देखते हैं सर ने क्या लिखा है हिस्टोरिकल मटीरियल और द मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री दैट मीनस मटीरियल पे कैसे आपकी हिस्ट्री जो है वो बेस्ड है हिस्ट्री बेस्ड मीन्स आपकी जो सोसाइटीज की एवोल्यूशन है वो कैसे बेस्ड है आपके मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन पे ठीक है <clears throat> ये पेविट टू ऑल दी वर्क ऑफ मार्क्स है ये आपका बेसिस बनेगा मार्क्स की हर स्टडी पे ये बुक वगैरह का नाम याद रख लेना किसमें इन्होंने इसके बारे में बोला है ये कंसेप्शन है सोसाइटी का इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर हेंस द नेम हिस्टोरिकल ठीक है मार्क्स ने इसको एवोल्यूशन को मोड ऑफ प्रोडक्शन बोला है ये हमें आगे पढ़ना है देखो मोड ऑफ प्रोडक्शन हमें अलग टॉपिक पढ़ना है तो जहाँ पे भी ये आएगा मैं अभी आपको हल्का बता देती हूँ इन डिटेल हम वहाँ पढ़ेंगे आप अभी कन्फ्यूज नहीं हो जाना ठीक है अकॉर्डिंग टू मार्क्स हिस्ट्री इज अ प्रोसेस ऑफ मैन सेल्फ क्रिएशन सेल्फ क्रिएशन के ही चलते उसकी हिस्ट्री जो है इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ क्रिएशन वो क्रिएट करता जाता है हिस्ट्री बनती जाती है ठीक है और जो ये है मटेरियलिस्टिक इसको क्यों अच्छा पहले हिस्टोरिकल क्यों बोला जाता है सिंस मैनस इन्वॉल्वमेंट इन टू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट्स हिस्ट्री इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड सोसाइटी ठीक है आपको हिस्ट्री समझना जरूरी है सोसाइटी समझने के लिए क्योंकि तब आपको पता चलेगा क्यों कोई सोसाइटीज इक्वालिटी पे बेस्ड थी और क्यों आपके पास आगे सोसाइटीज़ आ गई वो अनइक्वल बेस्ड है अनईक्वल सोसाइटीज है ये सारा आपको समझने के लिए हिस्ट्री समझनी होगी ठीक है इसीलिए बोला जाता है हिस्ट्री इज ए प्रोसेस ऑफ मैन सेल्फ क्रिएशन इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट अभी मटीरियलिस्टिक है फॉर टू रीजन फर्स्टलीस कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड अपॉन मटीरियलिस्टिक एंड नॉट मेटाफिजिकल फैक्टर्स मतलब कोई डॉक्ट्री प्रिंसिपल आइडियोलॉजी पे बेस्ड नहीं है मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन है हिस्ट्री का सोसाइटी जैस, का जैसे मैंने आपको बोला जब मटीरियल नहीं था तो क्लासलेस थी आगे आगे मटीरियल बढ़ता गया तो क्लास बेस्ड सोसाइटी आ गई सेकेंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इज बेस्ड अपॉन चेंजिंग मटीरियल कंडीशन एंड नॉट आइडियाज ऐसा नहीं हुआ आइडियाज चेंज हो गए तो सोसाइटी चेंज हुई मटीरियल वेल्थ चेंज हुआ तो सोसाइटी चेंज हुई लैंड से हमारे पास लैंड से हमारे पास मनी कैश इकोनॉमी की बात आ गई तो आपका कैपिटल तो हम फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में आ गए ये फ्यूरल सोसाइटी ये आपकी कैश इकोनॉमी वाली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी ठीक है तो सारी चीजें जो है वो किसके अराउंड बिल्ट है मटीरियल के अराउंड इसीलिए इसको क्या बोला जाता है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म

हिस्टोरिकल मटीरियल समझने के लिए आप और दो चीज़ें समझो जो मटीरियल कॉन्सेप्शन है इनकी सोसाइटी का वो क्या कहता है उसको समझने के लिए आप देखो इट इज़ मतलब सोसाइटी इज डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सुपर स्ट्रक्चर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट है उनके मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को समझने के लिए अब देखो इकोनॉमिक मान लो ये आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इकोनॉमिक सबस्ट्रक्चर भी बोलते हैं और ये आपका सुपर स्ट्रक्चर है इस सुपर स्ट्रक्चर में आपका कल्चर रिलिजन एजुकेशन पॉलिटी लॉ ये सब आता है याद करो अभी मैंने आपको क्या एग्जांपल दी कि जो आपका इकोनॉमी होता है उसी अराउंड आपकी ये चीजें बिल्ट होती हैं ठीक है ठीके? जैसे आपकी इकोनॉमी अगर लैंड सेंट्रल कॉन्सेप्ट है फ्यूरलिस्टिक सोसाइटी तो आपकी जो पॉलिटी है पॉलिटिक्स है रिलीजन है वो सारे एजुकेशन है वो सारे किस अराउंड बिल्ड होंगे इसी लैंड के अराउंड दैट जो जमींदार है उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो पॉलिटिक्स में उनकी चलेगी ठीक है तो आपकी पढ़ाई आपको साइंटिफिक वो क्रिटिकल थिंकिंग वाली आपकी पढ़ाई नहीं होगी आप बेसिक सी चीजें कुछ कुछ पढ़ोगे पढ़ाई पे फोकस नहीं करोगे आपका कल्चर भी ऐसा बिल्ट होगा कि जिसके पास जितनी जमीन है उसकी जिंदगी उतनी आसान हो जाएगी दैट मीन आपकी इकोनॉमी चेंज होते होते आपका जो ये सारी चीजें हैं आपकी इकोनॉमी पे ही बेस्ड आ जाते हैं ठीक है आपके जो पॉलिटिक्स है आपके पॉलिटिशियंस हैं उनको बैकिंग किसकी मिलती थी जमींदार्स की जमींदार्स का उनके साथ होना कितना इंपॉर्टेंट था ये चीज ठीक है और यही देख लो आप आगे जब आपकी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आ गई तो आपका एजुकेशन कल्चर लॉ ये सारा किसके अराउंड बिल्ड हो गया कैपिटलिज्म के अराउंड इसको समझने के लिए आप सिंपल सी एग्जाम्पल अगर समझो जब अंबानी की बेटी की शादी थी उसने किसको इनवाइट किया हिलरी क्लिंटन को अब रिश्तेदार तो थी नहीं ठीक है ब्रिटेन की एक पोटेंशियल कैंडिडेट थी पीएम बनने के लिए तो इसको इनवाइट किया तो ये कौन है आपके कैपिटलिस्ट और ये ये कौन है आपके आपके जो लॉ बनाते हैं पॉलिटिक्स वाला आ गया सब स्ट्रक्चर तो जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यही कहीं ना कहीं डिटर्मिन करता है आपका सोशल सुपर स्ट्रक्चर फिर आपको रिलीजन भी यही बातें टीच करता है जब दर्शन के लिए जाते हैं अंबानीज हेलीकॉप्टर में तो उनको के लाइन में खड़ा रहना पड़ता है नहीं तब जो वहां पे पुजारी वगैरह है उस टाइम पे वो अपने सारे रूल तोड़ देंगे क्योंकि पैसे का बोलवाला है ठीक है ये इकोनॉमी है यही डिसाइड करेंगे आगे का जो फ्यूचर है आपका जो आपके स्ट्रक्चर है वो कैसे बने होंगे कल्चर भी यही टीच करेगा कि हाँ इतना पैसा कमाना जरूरी है एजुकेशन भी इसी अराउंड होगी जो आपके अंदर इन्फ्यूज करेगी यही कैपिटलिज्म के थ्रेट्स ठीक है तो ये बताता है आपका कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सुपर स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है और हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को समझते हैं इन टर्म्स ऑफ डायलेक्टिक डायलेक्टिक प्रोसेस प्रोसेस देखो क्या होता है दो अपोजिंग फोर्सेस इंटरैक्ट करते हैं और फाइनली एक नया कंक्लूजन या एक नई आइडियोलॉजी जो है वो बॉर्न होती है अगर आप इसको सिंपल समझना चाहो जैसे क्लास में डिबेट होता है दो टीम्स बनती है ए टीम और बी टीम

ये आ जाएगी नई क्लास जो है वो इमर्ज होगी फाइनली क्या हो जाएगा वो जो क्लास है एक न्यू क्लास आ गई कुछ टाइम के बाद इस न्यू क्लास का भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग क्लास आ जाएगा कॉन्फ्लिक्टिंग क्लास फिर ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एक न्यू क्लास आ जाएगी तो ये सर्क्युलर प्रोसेस है जो चलता जाएगा और मार्क्स के अकॉर्डिंग ये फाइनली स्टॉप होगा जहां पर एडवांस्ड कम्युनिज्म आ जाएगा आप याद करो पहली स्टेज मैंने क्या बोली थी प्रिमेटिव कम्युनिज्म एडवांस कम्युनिज्म आ जाएगा जहाँ फिर से आपकी क्लासलेस सोसाइटी जो है वो सामने आएगी ठीक है तो ये था इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट है वो किससे लिया था हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म से उसमें जो डायलेक्टिकल है वो हीगल का कॉन्सेप्ट था और मटीरियलिज्म जो है वो फ्यूर बैच वो हम आगे देखेंगे बुक में लिखा हुआ है ठीक है ये समझ गया आप डायलेक्टिकल प्रोसेस कैसे था अब मार्क्स बोरोड द आइडियाज ऑफ हिस्टोरिकल और डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म फ्रॉम द हीगेलियन नोशंस ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म अब हीगल ने क्या दिया था डायलेक्टिकल आइडियलिज्म

कंबाइन किया और अपना कॉन्सेप्ट दिया डायलेक्टिकल या हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का इन्होंने हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में भी क्या बोला है हिस्ट्री कैसे कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी दैट मीन्स ऑपोजिट फोर्सेस इंटरैक्ट करते हैं हर स्टेज में और हमें एक नई स्टेज मिलती है और वो जो इंटरैक्ट करते हैं वो किस बेसिस पे होता है मटेरियल वो कॉन्फ्लिक्ट जो है किस बेसिस पे है मटेरियल वेल्थ के बेसिस पे ठीक है मटीरियल वर्ल्ड इज इट्स ओन इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस एंड इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन थिंकिंग इसीलिए इन्होंने आइडियलिज्म को यहां पे ड्रॉप किया ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुंस बाई पोलिटिकल इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो जिन्होंने कहा था लेबर वॉज द सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ ये बात करते थे कि लेबर वॉज द सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ वो याद करो बात मैंने क्या कहा था आपको प्रोडक्शन की बात की थी मैंने कि लेबर्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है आपकी सोसाइटी के लेकिन वो प्रॉफिट को ले जाता है बाद में आपके कैपिटलिस्ट ठीक है तो <coughs> लेबर वाज़ द सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ मार्क्स वाज़ आल्सो ऑल्सो बाय द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स डिपिक्शन ऑफ द हॉरर्स ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड द एक्सप्लाइटेशन ऑफ वर्कर्स बट ही सीम सच सच ही ही डीम एज एज सॉ सोल्यूशन इन कम्युनिज्म इसको था कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू इसी लाइफ में रहेंगे क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन आपको बाद में किसमें मिलेगा कम्युनिज्म में में अब देखो इनका क्या कहना था इन ऑर्डर टू मैन मस्ट प्रोड्यूस ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग ही बोला प्रोडक्शन ने कहा काफी इंपॉर्टेंट है ये एसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अब इस प्रोडक्शन के चलते मैन जो है एंटर्स इनटू रिलेशनशिप विद अदर मैन क्या रिलेशनशिप होगा या तो आप ओन्ड होगे आपने प्रोडक्शन में आप किसी प्रोडक्शन में काम करते हो वहां पर या तो आप एक लेबर हो दैट मीन्स यू आर ओन्ड या आप ओन करते हो या आप ओनर हो या आप कैपिटलिस्ट हो तो ये दो रिलेशन होंगे या तो आप ओन्ड हो या तो यू ओन द फैक्ट्री और इधर यू आर ओन्ड बाई द फैक्ट्री ओनर ठीक है मैन जो है प्रोड्यूसर्स टू सेटिसफाई हिज नीड्स और जो सेटिसफाई है वो पर्पचुअली डिससेटिस एनिमल मैन को कहा था उसकी नीड्स ग्रो होती जाएंगी होती जाएंगी तो उसको सेटिसफाई करना काफी मुश्किल है इसलिए प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा पहले एक चीज प्रोड्यूस होगी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी क्योंकि मैन जो है वो डिससेटिस्फाइड है वो कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होगा इसीलिए आपका जो कैपिटलिज्म है इतना चलता है क्योंकि साथ साथ आपकी वॉन्ट्स इतनी बढ़ रही है इसीलिए प्रोडक्शन भी उसी अकॉर्डिंग आपकी बढ़ती जाती है

रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन रिलेशनशिप वो बनेगा बिटवीन मैन एंड मैन वो हम यहाँ पे देखते हैं और बिटवीन मैन एंड थिंग्स ठीक है अब देखो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन और सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू मार्क्स आर ऑफ टू टाइप्स इन एनी मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या टाइप के रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बिटवीन मैन एंड मैन इधर आर ओन्ड और यू ओन ठीक है उसमें आपके ये जो इधर इफ यू ओन यूर यू बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ हैव्स और इफ यू आर ओन यू बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ हैव नॉट्स ठीक है

फैक्ट्री ओनर को फाइनली वो जाता तो काम ढूंढने उसी के पास ये तो एंटेगोनिस्टिक कॉपरेशन इसको बोलते हैं मैक्स ने कहा मार्क्स ने कहा था हैव नॉट शो दे आर इन अ डिसएडवांटेज पोजीशन ठीक है और दूसरा रिलेशन क्या है रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड थिंग्स दे आर द नेचर ऑफ ओनरशिप एंड नॉन ओनरशिप ऑफ थिंग्स दैट रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन में आपको क्या चाहिए टूल्स मशीन्स स्किल्स ठीक है ये जो टूल्स हैं जो जो सारी मशीनरी है वो आपकी नहीं है आप बस उस पर काम करते हो स्किल्स आपके हैं वो स्किल्स आप बेच रहे हो ठीक है तो ये रिलेशनशिप बनता है मैन का थिंग्स के साथ या तो थिंग्स उसकी है या तो वो किसी और की थिंग्स पे काम करता है ठीक है द हैव जो है कंट्रोल द प्रोडक्शन प्रोसेस क्योंकि वो थिंग्स जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, है मशीनरी किसकी आती है हैव्स की मशीनरी है सारी आप किसी फैक्ट्री में जाते हो वहां पे आप मशीनरी पे काम करे फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल फैक्ट्री में जाते हो वहाँ पे बड़ी सारी मशीन्स होती हैं उन मशीन्स पे आप काम करते हो आपके पास स्किल है वो मशीन यूज करने का लेकिन शाम को घर जाते टाइम आप मशीन्स घर नहीं लेके जाते हो वो मशीन कौन ओन करता है आपका जो ओनर है जो हैव्स है तो इसीलिए बोला जाता है हैव्स कंट्रोल प्रोडक्शन प्रोसेस इन एवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन और जो हैव नॉट्स एंड दे आर है नॉन ओनर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड जस्ट ओन देयर लेबर सिर्फ लेबर उनका होता है एंड ही इज फ्री टू सेल हिज लेबर इन एनी इंडस्ट्रियल सोसाइटी ठीक है ये आ गया आपका रिलेशनशिप हमने अब क्या दोबारा एक बार देखती हूं हम कंफ्यूज ना हो जाओ प्रोड्यूस करने के लिए मैन मस्ट एंटर इन टू रिलेशनशिप विद अदर्स अपार्ट फ्रॉम रिलेशन एक तो रिलेशनशिप सम फोर्सिस ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड वो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है टूल्स स्किल्स टेक्निक्स वगैरह ठीक है अब जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है और सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है वो दो टाइप्स के होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मैन एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड थिंग्स

क्या होता है आपके पास टूल्स होते हैं वैसे ही पुरानी सोसाइटी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में थिंग्स क्या है लैंड सेंट्रल क्या था लैंड पे बेस्ड थी आपकी सारी सोसाइटी उसी अकॉर्डिंग से सोसाइटी चेंज होती जाती है ये जो थिंग्स है और मैन का क्या रिलेशनशिप है उस थिंग के साथ वो भी चेंज होता जाता है अब देखो जो ये मशीन्स चलाते हैं Honestly, उनको चलाने के लिए स्किल्स की जरूरत नहीं है तो उनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं बन पाता है लैंड के साथ कहीं ना कहीं उनका एक इमोशनल वैल्यू भी अटैच होता है अब देखो मार्क्स ने और कहा था कि इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटर्मिन देर बींग बट ऑन दी देर सोशल बींग डिटर्मिनियर कॉन्शियसनेस इसका क्या मतलब हुआ मतलब जो आप सोचते हो आपकी आइडियोलॉजी वो डिटरमिन नहीं करता है आपकी क्या पोजीशन है सोसाइटी में आपका जो मटेरियल वेल्थ है सोशल बीइंग मतलब आपकी सोसाइटी का जो स्टेटस है वो डिटरमिन करेगा आप क्या सोचोगे ठीक है दैट आपकी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी भी मटेरियल वेल्थ पे बिल्ड होगी अगर लेबर सोचेगा कि नहीं मैं तो लेबर ही रहूंगा लेबर ही पैदा लेबर ही मरूंगा मेरी एक्सप्लॉयटेशन ठीक है मैं बस कुछ है ही नहीं तो एक्सप्लॉयट होना इज लाइक ओके ठीक है टॉलरेट करो क्योंकि मैं चेंज नहीं ला सकता हूँ वो इसीलिए क्योंकि आप इस थॉट प्रोसेस के हो क्योंकि आपका जो सोशल बीइंग है वो डिटर्मिन कर रहा है आपकी कॉन्शियसनेस आपकी जो मेटेरियल वेल्थ है वो आपकी आइडियोलॉजी बना रहा है और ना कि आपकी आइडियोलॉजी आपकी मेटेरियल वेल्थ बनाएगा ये कालमार्क्स का कहना था दैट इज मैन दमसेल्व डोंट डिसाइड वट टाइप ऑफ सोशल रिलेशन दे विल है Who दे विल बी द रूल्ड और द रूलर दैट मीन्स आपका जो सोसाइटी में स्टेटस है आपका जो सोशल रिलेशन है दैट मीन्स जहाँ पे आप सोसाइटी में स्टैंड करते हो वो चीज डिटर्मिन करेगी क्या आप रूल करोगे या आप रूल होगे और आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि जो मेटीरियल कंडीशन है वो शेप करेंगी आपकी मेंटल कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग ठीक है ये एग्जाम्पल है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सुपरस्ट्रक्चर की जो मैंने आपको बताया फैमिली रिलीजन कल्चर लॉ सारी जो है वो इकोनॉमी ही आपका डिटर्मिन करता है इसकी एग्जाम्पल्स मैंने बताई फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू मार्क्स टू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में दो चीजें आती हैं मैन और थिंग्स मैन में क्या आगे गया आपके मैन कौन होते हैं या तो हैव्स है आपके या तो हैव नॉट्स है और थिंग्स क्या आगे आपकी टूल्स एंड टेक्निक स्किल्स वगैरह ठीक है ये आपका फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है

कैपिटलिस्ट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था और फाइनली उस कॉन्फ्लिक्ट के चलते हमारे पास नई सोसाइटी आती है ये सारा इस पैराग्राफ में लिखा है ये मैं आपको इन डिटेल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ाऊंगी जहाँ पे हम देखेंगे एक स्टेज से सोसाइटी में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आता है फिर क्यों हम नई सोसाइटी में आते हैं ऐसे क्या रीजनस होते हैं और कैपिटलिज्म को ही क्यों बोला गया है लास्ट सोसाइटी और कैपिटलिज्म ऐसी क्या बात है कि उसके बाद एक रेवोल्यूशन आने वाला है वो सारी चीजें हम मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ेंगे यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाओगे ठीक है दस मैन एंड नेचर ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल और डेवलपमेंट इन द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ मैं इनक्रीजिंग कंट्रोल ओवर नेचर जैसे कि मैन ज्यादा कंट्रोल करता है नेचर को कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंगली बढ़ता जाता है अब दोनों फोर्स एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन चेंज कॉन्टिन्यूअस्ली एंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द इकनॉमिक बेस एंड द इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स वो हमने आगे बताया फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ गया आपका ये हमने यहाँ पे पढ़ा आपके मैन और आपके थिंग्स मैन में आपके हैव्स हैव नॉट आ गए थिंग्स में आपके टूल्स वगैरह आ गए ये फोर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया फिर रिलेशन विध प्रोडक्शन रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मैन और रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड थिंग ठीक है ये आपका फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये आपका रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है ये बनाता है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइन ये इकोनॉमिक ये देख लो ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन यही हेल्प करता है फंक्शन करने में सोशल सुपर स्ट्रक्चर को सोशल सुपर स्ट्रक्चर को कौन शेप करता है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको बताई अंबानी की शादी थी तो उसने हिलरी क्लिंटन को इनवाइट किया था क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो सारा आपका सोशल स्ट्रक्चर डिटर्मिन करता है कि आपकी सोसाइटी किस तरीके की होगी उसको फंक्शन करने में हेल्प करता है और उसको शेप करता है ठीक है अब प्रोडक्शन जो था मार्क्स ने कहा सेंट्रल है इन अंडरस्टैंडिंग दी सोसाइटी उन्होंने कहा सोसाइटी मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ये मैंने आपको बताया क्या होता है और सोशल सुपर स्ट्रक्चर आपका कल्चर लॉ फैमिली रिलीजन एजुकेशन वगैरह ठीक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रिलेशन बिटवीन मैं थिंग ये सारा आपका जो हैव हैव नॉट और बाद में आपके थिंग्स में टेक टूल्स टेक्निक्स वगैरह वो सारा आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर शेप करता है सोशल सुपर स्ट्रक्चर को विच इंटर्न हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है मेजर कॉन्ट्रोडिक्शन जो है इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी इज दैट देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फोर्स एंड द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन हर प्रोडक्शन अगर सोसाइटी अगर हम कोई भी उठा के देख ले उनमें एक कॉन्ट्रोडिक्शन होगा क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा फोर्सेज ऑफ रिलेशन ऑफ फोर्सेज में और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में ये हम आगे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में इन डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है अब हम क्रिटिसिज्म देख लेते हैं अब मार्क्स की सोसाइटी को क्या बोला है रिडक्शन इन नेचर बोला है क्योंकि ओवर एम्फोसाइज करता है मेटीरियल फैक्टर्स पे इन्होंने सिर्फ मटेरियल फैक्टर्स की ही बात की कि सोसाइटी में सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इकॉनमी की वजह से है लेकिन ऐसा नहीं होता है इन्होंने जैसे आइडियाज़ को इग्नोर किया आइडियोलॉजी जैसे आगे न्यू से स्कूल था उन्होंने मीडिया की बात की थी तो इनको रिडक्शनिस्ट टेंडेंसी थी इनकी थ्योरी में कि इन्हें हर चीज़ को इकनॉमिक डिटर्मिनिज्म या इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म पे लेके आ गई हर चीज़ जो है इकानमी डिटर्मिन करती है पावर भी पावर भी होता है अथॉरिटी होती है पोजिशन इन्फ्लुएंस क्लास ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती है और ना कि सिर्फ आपकी इकॉनमी सोशल ऑर्डर एस्पेक्ट को भी इन्होंने इग्नोर किया कि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर भी है कोई स्टेबिलिटी भी है उस चीज की तो इन्होंने बात ही नहीं की इन्होंने फैमिली इन को डिसफंक्शनल बोला कि वो भी आपकी इकॉनमी पे बेस्ड है मैरिज को डिसफंक्शनल बोला रिलीजन को हर चीज को इन्होंने यही डिसफंक्शनल ही बोला है सोसाइटी के लिए और कहा कि आपकी इकॉनमी के अराउंड बिल्ट है डिफरेंशियल अथॉरिटी स्ट्रक्चर को भी रूट कॉज ऑफ़ कॉन्फ्लिक्ट वो भी हो सकता है वो भी इन्होंने इग्नोर किया इग्नोर दी माइक्रो रियालिटी ऑफ सोशल लाइफ विच वॉज एक्सप्लोर्ड बाई नॉन पॉजिटिविस्ट स्टेशन जैसे उन्होंने नॉन पॉजिटिविस्ट माइक्रो रियालिटी की बात की थी इन्होंने वो भी इग्नोर किया ठीक है तो ये हमारा हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म हुआ आगे हम मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में इन डिटेल में हम सोसाइटी वगैरह की स्टेजेस की बात करेंगे उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज होता है वो मैंने आपको वहाँ पे हमने ये पार्ट स्किप किया वो मैं आपको यहाँ इन डिटेल पढ़ाऊंगी ठीक है तो टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाई टेक किया हैव अ ग्रेट डे